गारंटी है कि आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे, वो भी इतने कम समय में कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे। 99% लोगों को ये तरीका पता नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगन उसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत बाल हर किसी के व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल बढ़ते ही नहीं या फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। छोटे बालों को लंबा करने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं। बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथते हैं, तो कभी पार्लर के महंगे महंगे पैकेज पर जेब खाली करते हैं, मगर इसके बाद भी बालों के लंबा होने की कोई गारंटी नहीं होती। खान पान, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, प्रदूषण और गलत हेयर केयर की वजह से कई बार बालों का बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे में लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर आप बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बालों को अच्छा जल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हेयर केयर रूटीन में कुछ नेचुरल चीज़ों का शामिल करें। ऐसा कर आप बालों को तेजी से लंबा और घना कर पाएंगी औषधीय तरीके से। लेकिन इस तरीके को जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, जी हाँ दोस्तों, करी पत्ता फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर होता है, जो बालों के विकास में आपकी सहायता करता है और सफेद बालों को निकालता है। दोस्तों, इसके लिए आप आधा कप नारियल के तेल में एक मुट्ठी भर करी पत्ते डालकर गर्म करें। जब पत्तियां सारी काली पड़ जाए तो तेल में से पत्तियों को निकालकर तेल को ठंडा करके रख लें। जब आपको बालों में तेल लगाना हो तो हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने बालों और जड़ों में लगाएं। इसका प्रयोग सप्ताह में दो बार अवश्य करें। आप चाहें तो करी पत्ते के साथ गुड़हल की पत्तियों को भी मिला सकते हैं। यह भी आपके बालों को तेजी से लंबा और घना करने के साथ साथ चमकदार भी बनाता है। दोस्तों, गुड़हल के फूलों का प्रयोग हर्बल दवाओं के रूप में रूसी को दूर करने के लिए भी किया जाता है और बालों को लंबा करने में भी मददगार होता है गुड़हल का फूल। नंबर दो, दोस्तों, विटामिन सी और आयरन से भरपूर आंवला जूस नेचुरल इंग्रेडिएंट से भरा होता है। यह बालों को कई तरीकों से फायदा पहुंचाता है। इसके लिए आप आंवला जूस को बालों और स्कैल्प में अप्लाई करके और कुछ घंटे के लिए, कुछ देर के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद बालों को धो लें। नंबर तीन, दोस्तों, एलोवेरा तो है ही पोषक तत्वों की खान। ये सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होता है। साथ ही यह बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। एलोवेरा में मौजूद पोषक तत्व रूसी को कम करने और बालों को प्राकृतिक चमक लाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इसे आप नारियल के दूध और गेहूं के बीज की बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ताज़ा एलोवेरा जूस और नींबू के रस में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर चार, दोस्तों, बाल जल्दी जल्दी बढ़े, इसके लिए आप प्याज का रस लगा सकते हैं। इसमें मौजूद सल्फर बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मिक्सी में प्याज को पीस लें और रस को मखमल के कपड़ों से छान लें। इस रस को रुई की मदद से बालों स्कैल्प पर लगाएं। नंबर पाँच, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत ही सारी हर्बल टी आपके बालों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ग्रीन टी की। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो बालों को टूटने से बचाने और उनको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके लिए आप 2 कप गर्म पानी में ग्रीन टी के पैक को 7 से 8 मिनट के लिए डुबो कर रखें। अब इस पानी को गुनगुना होने के बाद अपने बालों में लगाएं और आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें और फिर बालों को ठंडे पानी से धो लें।